सो गाइस, कल मेरी नंद की बेटे की शादी है, यानी कि मेरे भांजे की शादी है और मुझे वहाँ जाना है। शादी की मैं तैयारी कर रही हूँ, मेरी अलमारी पूरी खुली पड़ी है जिसमें मैं बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे पास कौन सी साड़ी पहनने लायक है कौन नहीं। जैसे कि आपको पता है, सबका इशू होता है कि गर्ल्स का सबका इशू है इस चीज़ का कि क्या पहने, चाहे कितने भी कपड़े, वही मेरा इशू है। तो ब्लॉग शुरू करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे कैसे तैयारी कर रही हूँ। तो गाइस, आप देख रहे हैं मेरी कुछ साड़ी यहाँ पे लटकी हुई हैं, कुछ वहाँ पे लटकी हुई है, कुछ यहाँ पड़ी हुई हैं, कुछ यहाँ नीचे रखी हुई हैं, जिसमें कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पहनूँ क्या नहीं। पता नहीं मेरा क्या होगा कल। ये कल शादी की तैयारी हो रही है, यहाँ पे चेक करी जा रही है, चाचा डिसाइड करके बता रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे पूरा घर इन्होंने त्राहिमाम कर रखे हैं। तो गाइस, इतनी मुश्किल से मैंने अपनी साड़ी जो उसकी है सारी तैयारी की है, लेकिन क्या तैयारी की है ये मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। आपको देखना होगा मॉर्निंग में कि मैं कैसी लग रही हूँ तैयार होके। तो मिलते हैं मॉर्निंग में, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस। तो यहाँ पे भात लिया जा रहा है और सब यहाँ हम खड़े हुए हैं, दुरानी जेठानी वगैरह। अब हम अंदर जाएंगे, हमारी नंद हमें लेने आएंगी बाहर से। कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, कैसा लग रहा है आज आपको? विश्वास ही नहीं हो रहा पहले तो कि शादी मेरी हो रही है। और ये देखिए हम तैयार है, ये हमारी दुरानी जेठानी बैठी हुई है और इधर फोटोग्राफर हमें होस्ट कर रहे हैं मेरे भैया। तो गाइस, ये हम तैयार हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम डांस करेंगे, खाना खाएंगे। चलो ठीक है, पहले खाना खा लेते फिर डांस करेंगे। चक्कर मत पड़ो, हमारी फोटो खत्म नहीं होते इन लोगों के चक्कर में। ये देखो यहाँ पे नंद अपनी भाभी की उठी हुई, नंद अपनी भाभी को फूल दे रही है। हमारे चाचा ने देखो पूरी
प्लेट भर लिया, ऐसा कोई आइटम नहीं जिसमें ना हो। ये खिला रहे हैं रीना को। ओ माय गॉड, रीना आप तू भी खिला। ये रीना ने खिलाई है, अच्छा है, अच्छा है। दाल मखनी लेगी, पहले कड़ी चावल खा लेंगे। हम यहाँ क्या खाना खा रहे हैं? हम खाना खा रहे हैं यहाँ पे कड़ी चावल, मैसूरी रायता। सारा दिन घूंघटे में बंद पुड़िया सी। जाम लगा हुआ है और हमारा शादी भी हमारी अच्छे से निबट गई है और मेरे फ़ोन की बैटरी होने वाली डाउन। तो मैं इस ब्लॉग को यही ख़त्म करती हूँ और मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें माफ़ कीजिए। तो गुड नाइट, टेक केयर।